हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम दोस्तों बात करेंगे हाईवे कंस्ट्रक्शन के बारे में कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो आपको जानना बेहद ही जरूरी है क्योंकि जो यूज होते हैं हाईवे कंस्ट्रक्शन के अंदर। एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट जरूरी हैं आपको जानना, जिससे आप अपनी लाइफ में एक्सप्लोर कर सकते हैं इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर में। तो दोस्तों, हाईवे कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो डिपार्टमेंट है उसके यूनियन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, जिनका टारगेट है, जिन्होंने एक ऐलान किया था कि हमारा टारगेट है 100 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्ट करवाना, जो कि एक बहुत ही ह्यूज टारगेट है और जिसको अचीव कर रहे हैं नितिन गडकरी जी का डिपार्टमेंट। टारगेट इज गोइंग अप टू मोर देन 100 किलोमीटर पर डे, मनी इज नॉट द प्रॉब्लम। तो आप समझ पा रहे हैं हाईवे कंस्ट्रक्शन का जो स्कोप है इंडिया में वो बहुत ही ज्यादा वाइड है। तो दोस्तों, इसलिए हाईवे कंस्ट्रक्शन की नॉलेज रखना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। अब दोस्तों, एक एक चीज के बारे में डिटेल में समझेंगे कि सबसे पहले जो पॉइंट आता है हमारे पास वो है हाईवे की लेयर्स के बारे में। ये लेयर्स जो होती हैं, आप लोग इसको समझिए प्यार से। देखिए, लेयर्स को हम एक एक पार्ट में समझेंगे कि किस तरह से रोड हमारी कंस्ट्रक्ट होती है और कितने तरह की लेयर्स यहां पर प्रोवाइड करनी होती है, तब जाके फ्लेक्सिबल पेमेंट रोड जो है कंस्ट्रक्ट हो पाता है। तो आप लोग देखेंगे, ये है टिपिकल क्रॉस सेक्शन। इस टिपिकल क्रॉस सेक्शन में सबसे पहले जो यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये है सब ग्रेड। ये जो लेयर आप देख पा रहे हैं, ये सब ग्रेड की लेयर है। उसके बाद होता है जीएसपी की लेयर, दैट इज ग्रैनुलर सब बेस। देन आफ्टर यहां पे डब्ल्यूएमएम की फर्स्ट और सेकंड लेयर यहां पे प्रोवाइड करनी होती है। देन आफ्टर डीबीएम, जो कि होता है डेंस बिटुमिनस मैकेडम, और फिर होता है यहां पर बीसी की लेयर, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, जिसको हम बात करते हैं बिटुमिनस कंक्रीट। इसके अलावा कुछ कोट भी यहां पे प्रोवाइड करने पड़ते हैं, जैसे कि प्राइम कोट, टैक कोट और सील कोट भी यहां पर हमको प्रोवाइड करना होता है। साइड में जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये है हमारा अर्थन शोल्डर, और बीच में जो आप पोर्शन देख रहे हैं जहां पर अपने व्हीकल को ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं, ट्रेवल कर पाते हैं, वो होता है हमारा कैरेज बे। तो ये जो हमारा पार्ट है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ लेयर। जो सिविल गुरुजी आप लोगों के लिए कंप्लीटली कोर्सेज चला रहे हैं, कंप्लीटली जो कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स है, जिसमें आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के साथ साथ जो आपको हाईवे कंस्ट्रक्शन सिखाया जा रहा है, उसका फर्स्ट पार्ट ये आपका इंट्रोडक्शन ऑफ लेयर। उसमें हम डिटेल से समझते हैं कि किस तरह से यहां पर सब ग्रेड, जीएसपी, डब्ल्यूएमएम, डीबीएम, बीसी की जो लेयर्स होती हैं, इनको किस तरह से प्रोवाइड करना होता है, क्या इसकी मॉर्थ के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशंस होती है, वो डिटेल में पढ़ाया जाता है। साथ के साथ दोस्तों, एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है हाईवे कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल का। जिस तरह से आप सिविल गुरुजी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जो दैट इज सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जुड़े हुए हैं, सेम मैं चाहूंगा आप सभी लोगों से हाईवे कंस्ट्रक्शन की डेली अपडेट के बारे में जानकारी पाने के लिए आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए हाईवे कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल के लिंक पर जाकर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करना, आपको डेली अपडेट जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं यहां पर कि सर्वेइंग कंपोनेंट, जो सेकंड पॉइंट आता है सर्वेइंग कंपोनेंट। ये सर्वेइंग कंपोनेंट क्या होता है यार? देखिए, सर्वेइंग कंपोनेंट में जो हमारे पास प्लान एंड प्रोफाइल, देखिए इसके पहले हमने जो देखा था ये था टिपिकल क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन था, लेकिन उसका जो प्लान एंड प्रोफाइल है, उसमें प्लान एंड प्रोफाइल में किस तरह से रोड की क्रॉस सेक्शनिंग है यहां पर, किस तरह से रोड का प्रोफाइल है, उसको हम समझेंगे सर्वेइंग कंपोनेंट के अंदर। देन आफ्टर आता है पर चेनेज पॉइंट। अब देखिए, चेनेज पॉइंट मार्किंग, मतलब जिस तरह से आप देख रहे हैं ये रोड का प्लान, अब इस प्लान के अंदर यहां पर हमने कुछ मार्किंग की हुई है। ये जो मार्किंग यहां पर की गई है 100-100 मीटर वाली, ये 100-100 मीटर के इंटरवल पे जो मार्किंग है, ये हमारा चेनेज पॉइंट मार्किंग। इस चेनेज पॉइंट मार्किंग के अकॉर्डिंग ही रोड पर क्या करते हैं, जिस तरह से हमारे घर का एड्रेस होता है ना कि ये हमारा घर है, ये 101, यहां पे 102, 103, तो हमने अपने घरों की क्या कर दी, मार्किंग कर दी। सेम रोड पर हमें क्या करना होता है, पॉइंट्स की मार्किंग करनी होती है, इसको बोलते हैं चेनेज पॉइंट मार्किंग। देन आफ्टर आपको जानना होता है यहां पर लेवलिंग बाय ऑटो लेवल। ऑटो लेवल का पे बहुत ही मुख्य इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें आपको सबसे पहले पढ़ाया जाता है स्टडी ऑफ रिड्यूस लेवल एंड मीन सी लेवल के बारे में। देन आफ्टर यहां पर आपको जानना जरूरी है लेवल ट्रांसफर बाय ऑटो लेवल, किस तरह से लेवल को हम ट्रांसफर करते हैं ऑटो लेवल की मदद से। फिर आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोफाइल लेवलिंग, अभी जो मैंने आपको डिटेल से ये जो शीट दिखाया था यहां पर, ये जो क्रॉस सेक्शनिंग होना है, ये शीट किस तरह से डिटेल से बनाई जाती है। तो ये एक पॉइंट है जो कि हमें जानना बेहद जरूरी है जब भी अगर हम हाईवे कंस्ट्रक्शन की नॉलेज पाना चाह रहे हैं। देन आफ्टर यहां पर होता है हाउ टू क्रिएट लेवल शीट इन एक्सेल। अब इसी जो मैंने अभी आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया था, प्लान प्रोफाइल दिखाया था रोड का, इसका एक हमारा शीट बनता है जिसको हम बोलते हैं लेवल शीट। इस लेवल शीट से हमारे पास निकल के आता है एम्बैंकमेंट की क्वांटिटी, कि कितना क्वांटिटी हमें फिलिंग कराना पड़ेगा या कटिंग कराना पड़ेगा, जिससे हम यहां पर लेवलिंग शीट यहां पर बना पाते हैं। इसके बाद एक पार्ट होता है क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क विद द हेल्प ऑफ एफआरएल। एफआरएल की मदद से हम क्वांटिटी निकाल पाए अर्थवर्क की, जो कि मैंने अभी
आपको बताया था कटिंग एंड फिलिंग की सहायता से हम निकाल पाते हैं क्रॉस सेक्शनिंग की मदद से। नेक्स्ट पार्ट आता है जीपीएस कोऑर्डिनेट, जो कि आपको सीखना तो बेहद जरूरी है अगर आप सीखना चाहते हैं ईस्टिंग नॉर्थिंग लेवल के, आप डिफरेंसेस समझना चाहते हैं, इसलिए हमें यहां पर जीपीएस कोऑर्डिनेट को समझना पड़ेगा। देन आफ्टर यहां पर आता है कैम्बर ऑफ रोड। देखिए कैम्बर मतलब जो आप रोड देखते हैं तो रोड में जो बीच वाला भाग होता है, अगर आप टू लेन रोड देख रहे हैं तो टू लेन रोड में आपका बीच वाला भाग जो है वो उठा हुआ होता है। क्यों उठा होता है? क्योंकि आपका जिस भी तरह से वाटर होगा, अगर वाटर यहीं पर, मतलब अगर हमारा वाटर यहीं पर स्टोर हो गया तो क्या करेगा, रोड को नीचे जाके जब वाटर नीचे पहुंचेगा रोड को खराब करेगा। हमारा रोड की जो अलग अलग लेयर्स, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो जीएसबी हो, डब्ल्यूएमएम हो, डीबीएम हो, बीसीओ, इनको इफेक्ट करेगा। उस इफेक्ट के कारण यहां पर क्या होता है, आप देखते हैं बीच में रोड जो है खराब हो जाती है, बीच में रोड में होल गड्ढे पड़ जाते हैं, वो उसका रीजन है कि कैम्बर सही से प्रोवाइड नहीं किया, जिसके कारण से वहां पर क्या हुआ है, रोड में गड्ढे बन चुके हैं। अगर आपने कैम्बर की कैलकुलेशन करना सीख लिया तो कैम्बर आप इजीली अच्छे से प्रोवाइड करवा पाओगे और जितना भी पानी होगा या ड्रेनेज आइटम होंगे वो डायरेक्टली हमारे शोल्डर तक पहुंच पाएगा। रोड में जो मिडल पोर्शन होता है वो कैम्बर और बाकी जो साइड वाले पोर्शन होते हैं उनको शोल्डर बोलते हैं, तो शोल्डर तक हमें पहुंचाना रहता है वाटर को। तो उसकी पूरी कैलकुलेशन, कैम्बर कैलकुलेशन जो है प्रॉपर, वो आपको सिखाई जा रही है इस हाईवे कंस्ट्रक्शन के कोर्स में। जो कि अब दोस्तों इसके बाद आता है टोटल स्टेशन का यूज। टोटल स्टेशन में हम सेंट्रल लाइन मार्किंग करते हैं, जिस तरह से रोड होती है तो रोड में क्या करना होता है, सेंट्रल लाइन मार्किंग करना होता है। जिस तरह से अभी मैं आपको यहां पर दिखाऊं कैरेज वे की मदद से हम क्या कर रहे थे, जिस तरह से आप यहां पर देखिए सेंट्रल लाइन है रोड का टिपिकल क्रॉस सेक्शन और यहां पर सेंट्रल लाइन, इस सेंट्रल लाइन से मुझे हाफ ऑफ डिस्टेंस दोनों तरफ जाना, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, इसलिए बीच में हमें सेंट्रल लाइन मार्किंग करना बेहद जरूरी होता है। उसके अकॉर्डिंग हम दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड अपने डिस्टेंस को प्रोवाइड करवा पाते हैं, इसलिए हमारा मदद करता है इसमें टीएस की मदद होती है, टोटल स्टेशन। तो टोटल स्टेशन का यूज करना भी आपको सिखाया जाएगा इन सेंट्रल लाइन मार्किंग, सेंट्रल लाइन की मार्किंग की मदद करते हुए। ये तो टोटल बात हुई सर्वेइंग पार्ट की। अब जो पार्ट आप यहां पर समझेंगे वो है आपका एस्टिमेशन पार्ट। हाईवे कंस्ट्रक्शन का जो एस्टिमेशन है उसमें डिफरेंट टाइप्स के लेयर्स होती है, उसका एस्टिमेशन किस तरह से किया जाता है देख रहे हैं आप यहां पर। अगर सबग्रेड मैंने सॉल्व किया तो लेयर 1 में LHS और RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, उसके अलावा यहां पर हम एक जो है अपना स्टैंडर्ड डाटा बनाते के चलते हैं कि कितना हमारे ड्राइंग में दिया गया है। तो ये भी पार्ट आपका इंक्लूड है इन कॉप्स कोर्स के अंदर, जो कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सिविल गुरुजी। तो ये पार्ट भी आपको पूरा डिटेल में सिखाया गया है। दोस्तों मैं एक वीडियो में सारा पार्ट कंप्लीट नहीं कर सकता, इसके लिए इस कोर्स के अंदर आपके हाईवे कंस्ट्रक्शन का ही मात्र 200 लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं और कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स जो कि बिल्डिंग पार्ट है उसमें 550 से ज्यादा लेक्चर्स अपलोड हैं, इसलिए पॉसिबल नहीं है कि एक लेक्चर में मैं डिटेल से पढ़ा सकूं, लेकिन आपको टोटली गाइड जरूर करूंगा कि कौन सा पार्ट आपको आना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों यहां पर रिटेनिंग वॉल, ऑब्वियसली यार आप लोगों की भारी डिमांड आती है रिटेनिंग वॉल को समझने के लिए, तो रिटेनिंग वॉल का बीबीएस बार बॉन्डिंग शेड्यूल, रिटेनिंग वॉल का कंप्लीटली एस्टिमेशन और रिटेनिंग वॉल का कंप्लीटली आपका बिल ऑफ क्वांटिटी और कैसे यहां पर रिटेनिंग वॉल को प्रोवाइड करेंगे इसके बारे में भी आपको इस कोर्स में पूरा बताया जाएगा। साथ में दोस्तों रिटेनिंग वॉल के अलावा हम यहां पर ड्रेन लाइन जो कि रोड के हम साथ में प्रोवाइड करते हैं, तो रोड के साथ में हमें ड्रेन लाइन भी प्रोवाइड करनी होती है, तो ड्रेन लाइन जो बनता है उसका भी बार बेंडिंग शेड्यूल, एस्टिमेशन और इसमें ड्राइंग किस तरह से पड़ी जाती है, कैसे साइट पर ये प्रोवाइड करेंगे, इसकी डिटेल से यहां पर लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको यहां पर मिलेंगे इस कोर्स के अंदर। इसलिए अब नेक्स्ट दोस्तों यहां पर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोगों को समझना, वो है मिक्स डिजाइन। अब मिक्स डिजाइन क्या होता है, इंजीनियर्स बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं मिक्स डिजाइन के नाम पर कि किस तरह से प्रोवाइड करें। देखिए मिक्स डिजाइन में अगर आपको बात करूं तो इसमें टेस्ट होते हैं। अब टेस्ट कैसे होंगे, जो भी आइटम आपको प्रोवाइड करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने ग्रैनुलर सब बेस ले लिया, तो ग्रैनुलर सब बेस के स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, दैट इज मॉर्थ का 5th रिवीजन जो आया 2013 में, उसमें उसके डिटेल दिया गया है कि किस किस टेस्ट को आपको रिजल्ट को फाइनलाइज करना है तब जाके आपको मिक्स डिजाइन बनाना है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि AIB टेस्ट, एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू टेस्ट। अब देखिए यहां पर ग्रैनुलर सब बेस, ग्रैनुलर सब बेस में क्या है हमारा एग्रीगेट। अब एग्रीगेट की टेस्टिंग करनी है सबसे पहले हमको, तो एग्रीगेट की टेस्टिंग कब होगी, जब हम उसमें एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू निकालें, हम उसमें लॉस एंजलस टेस्ट करें परफॉर्म करें, हम वहां पर जो है हम एग्रीगेट ग्रेडेशन करेंगे परफॉर्म, प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट करेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन भी करेंगे और यहां पर फ्लेकीनेस और इलंगेशन टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा। देन आफ्टर यहां पर लिक्विड लिमिट भी परफॉर्म की जाएगी, तब जाके मिक्स डिजाइन बन पाएगा किसका, ग्रैनुलर सब बेस का। इसके बाद आता है बैट मिक्स्ड मैकेडम, तो बैट मिक्स्ड मैकेडम में क्या होता है, यहां भी हमारा एग्रीगेट है लेकिन बैट मिक्स्ड मैकेडम आपके
प्लांट से बनकर आता है, जबकि ग्रेनुलर सबबेस आपके साइट पर आप इसको बिछा सकते हैं इसकी लेयर को, लेकिन WMM की जो लेयर होती है ये हमारे प्लांट जो होते हैं WMM के जो प्लांट होते हैं वहां से बनकर आते हैं। इसलिए WMM की अगर हम बात करें तो यहां भी एग्रीगेट है, तो एग्रीगेट के लिए ऑब्वियसली एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू टेस्ट, लॉस एंजलस टेस्टिंग मशीन, इसके अलावा आपका यहां पर जो है परफॉर्म होता है प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन, इलोंगेशन एंड फ्लेकीनेस और लिक्विड लिमिट यहां पर हमें सॉल्व करनी होती है। इसके बाद यहां पर आता है डेंस बिटुमिनस मैकेडम। अब डेंस बिटुमिनस, बिटुमिनस वर्ड और ऐड हो गया, लेकिन एग्रीगेट भी तो है, एग्रीगेट के लिए तो वही टेस्ट परफॉर्म करेंगे, लेकिन यहां पर जो बिटुमिनस वर्ड यूज हो गया यहां पर मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट भी हम परफॉर्म करने वाले हैं। इसके बाद आता है बिटुमिनस कॉन्क्रीट और ये भी हमारा बिटुमिन का पार्ट हो जाता है, तो यहां भी हमारे सेम टेस्ट लेकिन बिटुमिन पार्ट के लिए हम मार्शल स्टेबिलिटी परफॉर्म करेंगे। अब आता है यहां पर सबग्रेड एंड एम्बैंकमेंट, यहां पर मिट्टी का कार्य, अर्थ का कार्य होगा, तो अर्थ वर्क के लिए हम यहां पर जो टेस्ट परफॉर्म करेंगे रैपिड मॉइस्चर मीटर का जो टेस्ट होगा वो भी हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। एक टेस्ट और होता है कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो टेस्ट, जो कि हम GSB पार्ट में ही परफॉर्म करेंगे, क्योंकि मॉर्थ स्पेसिफिकेशन द्वारा हमें यहां पर बताया गया है कि सीवियर वैल्यू भी आपको चेक करनी रहेगी। अब दोस्तों एक टेस्ट और आ जाता है फील्ड ड्राई डेंसिटी टेस्ट बाय कोर कटर मेथड, या आप उसको सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने जो यहां पर परफॉर्म करवाया आप लोगों को सिखाने के लिए वो कंप्लीटली कोर कटर मेथड जो होता है वो आपका सबग्रेड और एम्बैंकमेंट पार्ट में कंप्लीट होगा। दोस्तों इस पार्ट में ही मिक्स डिजाइन में करीबन आपको 68 लेक्चर्स मिलने वाले हैं, जिसमें आपको ये सारे टेस्ट के डाटा परफॉर्म करवाए जाएंगे और पूरा टेस्ट सिखाया जाएगा किस तरह से टेस्ट के इंप्लीमेंट करना होता है हमें कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने के बाद, और मिक्स डिजाइन की शीट कंप्लीटली बन के आती है जो कि हम अपने रिपोर्ट फाइनल कर पाते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आता है क्वांटिटी सर्वे। क्वांटिटी सर्वे में हम कंप्लीटली जितनी भी डिफरेंट टाइप की लेयर्स होती हैं उसमें कितना मटेरियल लगने वाला है उस मटेरियल की एक्चुअल क्वांटिटी जान पाएंगे, चाहे वो केजी में हो, क्यूबिक मीटर में हो, या क्यूबिक फीट में हो, या टन में हो, ये सारे यूनिट्स के आधार पे हम सभी लेयर्स का यहां पर जानेंगे इन क्वांटिटी सर्वे पार्ट। देन आफ्टर यहां पर आता है मॉर्थ स्पेसिफिकेशन। देखिए ये तो पढ़ना बेहद जरूरी है, यदि दोस्तों आप कॉन्ट्रैक्ट पार्ट में या फिर आप जो बिलिंग पार्ट में या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पार्ट में जाना चाहते हैं तो मॉर्थ का जो स्पेसिफिकेशन दिया ना इसमें चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर को डिटेल वाइज जो पढ़ाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे 5th रिवीजन है 2013 में ये पब्लिश हुआ था, ये आपको कंप्लीटली चैप्टर वाइज यहां पर सिखाया जाएगा इस कोर्स के अंदर। इसके बाद आता है बिलिंग एज पर BOQ मोड और EPC मोड। देखिए BOQ मोड और EPC मोड क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट हमारा के आधार पे हमें बिलिंग करनी होती है, तो ये दोनों ही टाइप के बिलिंग आप इस कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स में मिलने वाले हैं। अब दोस्तों सोचिए आप इतना सारा पार्ट मैंने आपको बताया, ये सारा पार्ट जानना बेहद जरूरी है हमें अगर हमें हाईवे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आगे जाना है। यदि हम आगे जाना चाहते हैं तो हमें ऑब्वियसली स्किल्स तो चाहिए रहेंगी। सोचिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या आपके पास ये सभी तरह के स्किल्स हैं मौजूद, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता सकते हैं। यदि आपके पास स्किल्स हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप यस लिखिए, अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं है मौजूद तो आप जरूर नो लिखिए, लेकिन सीखना और सिखाना मेरी जिम्मेदारी आप सभी लोगों को। और हाईवे कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल पे आपको डिटेल से डेली वीडियोस मिलेंगे जिसमें आप अपडेट रहोगे हाईवे कंस्ट्रक्शन में होने वाले सभी एक्टिविटी के आधार पर। तो सब्सक्राइब करिए सिविल गुरुजी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और हाईवे कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।